नमस्ते माँ जी। तुम? जी मैं। तुम वही हो ना हसीना के थाने के नए एसएचओ अमर ज्योति? अमर विद्रोही। हाँ वही। आप जानती है मुझे? अरे तुम्हें कौन नहीं जानता, वो मंत्री वाला पंगा, तुम्हें सामने देखकर मंत्री अपनी गाड़ी की लाल बत्ती हटाकर जो भागा है, अरे क्या वायरल हुआ था वो वीडियो, और उसके बाद वो बॉम्ब वाला मामला, अरे सब जानते हैं तुम्हें, कौन नहीं जानता। शादी की बात करने आए हो? कमाल है, आपको कैसे पता? हमारी तरफ से हाँ है, एकदम मंजूर है। जी? अरे शादी के लिए हाँ है, एकदम मंजूर है। जी वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शादी हसीना जी को करनी है ना, तो शादी के लिए उनकी हाँ का होना भी बहुत जरूरी है ना। अरे वो कैसे हाँ नहीं करेगी, हम है ना, हम देख लेंगे उसे, बस उसकी भी हाँ ही समझ लो। आंटी जी अंदर आके बात करें प्लीज। अरे देखो हम भूल ही गए, आइए ना, आइए बैठिए बैठिए। बैठो बेटा। माँ जी ये हाँ। ये दीवान जी। मंजूर है जी? तुम्हारे साथ जो भी है सब मंजूर है। हसीना ने कभी बताया नहीं कि आपके बारे में क्या सोचती है। कमाल है, पूरा थाना जानता है कि वो हमारे बारे में क्या सोचती है। क्यों दीवान जी, आपको नहीं बताया उन्होंने कभी? नहीं। अच्छा घर में कौन कौन है? मेरे हाँ जी, पापा और दो बहनें, एक छोटी एक बड़ी, बस छोटा सा परिवार है हमारा। घर में किसी को शादी से इतराज तो नहीं है ना? क्यों, मेरे घर वालों को शादी से क्या इतराज होगा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ये बोझ भी सर से उतर गया। कब मिलवा रहे हो? किससे? अपने घर वालों से, आगे की बातें उन्हीं से तो करनी पड़ेंगी ना। पर आगे की बात आप उनसे क्यों करेंगी? कमाल है, ऐसी बातें बड़ों से ही तो करते हैं ना। कैसी बातें? शादी ब्याह की बातें। पर हसीना मैडम की शादी की बात आप उनसे क्यों करेंगी? अब अकेले हसीना थोड़ी ना शादी कर रही है, ये भी तो करेंगे। तो ये जब करेंगे तब बात भी कर लेंगे। जब करेंगे मतलब अलग अलग थोड़ी ना कर रहे दोनों? कौन दोनों? अरे ये दोनों हसीना और अमर ज्योति शादी करेंगे ना। शादी? हाय रे, देखो कैसी गलत फहमी का शिकार हो गए हम। ये लीजिए चाय लीजिए। लीजिए दीवान जी। तो तुम वो लड़के नहीं हो जिसे मैरिज ब्यूरो वाले ने भेजा था? हा? जी नहीं, लेकिन हम भी चाहते ना कि हसीना जी की शादी ना जल्दी से जल्दी हो जाए। क्यों? अरे कैसी बात करते हैं आंटी जी, दोनों एक ही थाने में काम करते हैं तो चिंता तो बनेगी ना अफसरगिरी में, और हसीना मैडम की शादी हो जाएगी, उनका घर बसेगा, तो इससे खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है, क्यों सर? बिल्कुल। इसलिए हम लोग आपके पास आए ताकि बात आगे बढ़ सके। कैसे बढ़ेगी बात आगे? हाँ वो हसीना शादी के लिए हाँ करेगी तब ना। अरे माँ जी जरूर हाँ करेंगी, अब हमारी बात मानिए तो जैसा हम कहते ना वैसा करिए, फिर देखिए अमर विद्रोही का जादू, वो यूँ हाँ करेंगी शादी के लिए। तो आपको करना यूं है कि सुमन के घर और आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चले मैडम सर। चोरी के वक्त सुमन के घर पे सुमन के अलावा और कोई भी नहीं था। सगाई के लिए जो रिश्तेदार आने वाले थे वो चोरी के बाद आए, तो उन पर भी शक करने का कोई मतलब नहीं है। बचा कौन? सुमन की बेटी पारू। उसका क्या? उस पर भी शक नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सब तो उसी के लिए हो रहा है ना। हाँ, और ये शादी में मैडम से कोई जोर जबरदस्ती वाला भी एंगल नहीं है क्योंकि ये सब पारुल की सहमति और उसकी खुशी से हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन से हाँ ये जरूर पता चला है कि यहाँ करिश्मा मैडम बिल्कुल सही है। एक मिनट करिश्मा सिंह कब इन्वॉल्व हुई? वो एज अ सीनियर वो सुपरवाइज कर रही है ये। तो सुमन अपनी बेटी पारुल से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, अपनी ज़िंदगी भर की जो कमाई है ना वो शादी में झोंक दी, और ये बात भी सही है कि लड़के वालों की डिमांड से सबसे ज़्यादा महंगी वो अंगूठी खरीदी है। ठीक है, और कुछ? और आगे पीछे तो बस इतना ही है मैडम सर, लेकिन हाँ मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन से मुझे ये लगता है कि मामला चोरी का नहीं है, ये बात ही कुछ और है। ठीक है, तफ्तीश जारी रखिए, अगर कुछ और अपडेट हो तो हमें बताइएगा। जी खाली। हाँ अब चाय का कप खाली है। ओह हाँ हमारे ध्यान से निकल गया, थैंक यू। संतोष शर्मा जी गुड जॉब। थैंक यू मैडम सर। चलिए इस बात पे आज एक कप चाय पीते हैं साथ में। आपने अभी पी ना? एक और पी लेते हैं अभी।
मैडम जी सुने ना। नहीं नहीं, सब आपके केस पे ही लगे हुए हैं और आपकी वो जो अंगूठी है वो सगाई से पहले मिल जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है? हाँ, हमें पता है कि आप मेरी बेटी की रिश्ता टूटने नहीं न देंगे, लेकिन हम यहाँ किसी और काम से आए हैं। यूकी, हमें याद आ गया है कि हम शिवा अंगूठी कैसे खो गई थी। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगा। कैसे, कब, कहाँ खोई थी बताइए? हम समोसे और अंगूठी एक ही साथ पकड़ के घर जब पहुंचे तो हमारी बेटी पारुल समोसे ही खा रही, तो हमारे दरवाजे में एक भिखारी आ गया, उसे बहुत भूख लगी थी, तो हमारी बेटी ने जो समोसा हम लाए थे ना वही समोसा उस भिखारी को दे दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है कि समोसा जो है वो अंगूठी और एक ही कागज में लपटा हुआ था और वो दे दिया, तो समोसे के साथ अंगूठी भी चला गया भिखारी के पास। ओ माय गॉड, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। भिखारी ने मांगा था समोसा और लेकिन वो बन गया लोकल अंबानी का मौसा। यूकी, वो आखिरी नुक्कड़ पे बैठा था जहाँ चुनरी की दुकान है, वो दाढ़ी वाला है, पैसा के लेके चलता है। Yes, I got it. ये तो ढक्कन टू है। कौन ढक्कन टू? ढक्कन टू मेरा किराएदार। और खास बात ये है कि इन भिखारी को हम नाम से नहीं जानते, जगह से जानते हैं। जैसे कि ये भिखारी गली की आखिरी नुक्कड़ पे बैठता है और मैन होल ढक्कन टू के सामने बैठता है, इसलिए इसका नाम ढक्कन टू रखा है। बहुत बढ़िया, चलो अब हमको लेकर चलो। चलिए, मतलब संतू को लेकर जाओ, और ये केस हमारा तो है नहीं, मतलब हम नहीं, संतू का केस है ना ये, तो संतू जाओ। नहीं मैडम, अगर किसी एक्सपीरियंस सीनियर का सुपरविजन मिल जाता तो केस जल्दी सॉल्व हो जाता। अगर आपको ठीक लगे तो, क्या है ना कि अगर केस जल्दी सॉल्व हो जाएगा तो हो सकता है कि मुझे प्रमोशन मिल जाए, प्लीज। तुम्हारा प्रमोशन का बात है तो सिर्फ तुम्हारे लिए, बाकी ऑफिशियल हमें इस केस से कोई लेना देना नहीं है। जी आप लीड कीजिए, मैं हूँ आपके साथ। चल बिल्ले। ओके। आप फिलहाल आप घर जाइए, मैडम तफ्तीश करके आएंगी, हम आपको इत्तला कर देंगे, ठीक है? अब जाइए। हाँ जाइए। पुष्पा जी प्लीज रहने दीजिए, हम जानते हैं आप क्या कहने वाली, कुछ जख्मों का इलाज अगर वक्त पर छोड़ दिया जाए तो बेहतर है। मगर मैडम सर, कुछ जख्म खुले भी तो नहीं रख सकते ना, और गहरे हो जाते हैं। आइए, आ गया है ढक्कन नंबर टू का अड्डा, ये रहा ढक्कन नंबर टू का अड्डा। कहाँ है ढक्कन नंबर टू का अड्डा? यही होना चाहिए ढक्कन नंबर टू का। ये ढक्कन नंबर टू कहाँ है? हाँ जीते, तू कब से मिस कर रही हूँ मैं तुझे, कब आएगा? तुम्हारी मैया की 500 किलोमीटर दूर तुमने गाड़ी खड़ा कर दी, गले कुचे से तुम हमको लेकर आ रहे हो, हमें चूरन बना के रखा है क्या तुमने? हाँ, चला चला के हमारा हाल खराब कर दिया तुमने। निठल्ले को बोलो हम काम कर रहे हैं, हम निठल्ले नहीं है। तो यही होना चाहिए, मतलब 11 महीने का प्रेगनेंट है। एग्रीमेंट है उसका, मतलब 2 महीने कम है एग्रीमेंट खत्म होने में, डिपॉजिट छोड़ के नहीं जा सकता। नहीं वैसे देखा जाए तो बिल्लू जी की इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं निकलती है। या थैंक यू संतोष जी, आई एम बिल्लू द स्पाई विद पीनट्स, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, अभी खोजिंग फाइंडिंग सर्चिंग। हवाई जहाज की तरह उड़ो और सबसे पूछ के आओ। ओके। नहीं देखा है, हमें नहीं लगता कि ढक्कन नंबर टू का अड्डा यहाँ है, और इस बार बिल्ले की इन्फॉर्मेशन सही है, समय बर्बाद हुआ है हमारा यहाँ पे आके। चलो तुम कहाँ रहे? आपके साथ आए थे, आपके साथ जा रहे हैं। नहीं बहुत हवाई जहाज बन रहे थे ना तुम, तो तुम रनवे पे जाओ ना, जाके वहाँ से उड़कर आओ। 2 दिन से कुछ खाया नहीं है इस जहाज ने, इस जहाज में कुछ फ्यूल नहीं है, ऐसे भूखा उड़ेगा तो क्रैश हो जाएगा ना। बिल्लू जी अभी तो जीप में आपने कहा कि आप कल रात को पार्टी कर रहे थे दोस्त के घर पे। वो, अच्छा? मैंने पेट को बहलाने के लिए बस। तो जितना भी मटर पनीर चिकन मटन तुमने खाया ना, अब उसको जाके निकालो और भाग के आओ। अजी मैं ये हवाई जहाज कैसे उड़ के आएगा? ये देखो खंबे से टकरा गया, दिखने में तो खंबा है, पीने में खंबा कब मिलेगा? मैडम मुझे भी साथ ले चलो। हेलो अम्मी, सॉरी आ जाने में थोड़ी सी देर हो गई। वो अरे क्या हुआ अम्मी, आप कुछ परेशान लग रही हैं, कोई प्रॉब्लम, सब ठीक तो है, क्या हुआ? अरे क्या नहीं मिस मलिक, कौन ये पूछिए? आप मिस मलिक, आप हैं इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। एक मिनट, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं?
अरे आपकी अम्मी का फोन आया था थाने में, उन्होंने कहा कि आपको बता दिया जाए कि आपको लेकर इनका पेशेंस लेवल खत्म हो चुका है, इसलिए अभी ये चुप्पी धारण करेंगी और कुछ नहीं बोलेंगी, किसी से एक लफ्ज नहीं बोलेंगी, कोई बात नहीं करेंगी किसी से, तब तक जब तक इनकी डिमांड पूरी नहीं हो जाती। अच्छा, और ये आज के बाद खामोश रहेंगी, नहीं बोलेंगी, ये बात इन्होंने आपको फोन करके बोली? हाँ, मतलब उन्होंने आखिरी लाइन ही ये बोली कि आज के बाद नहीं बोलेंगे, और उसके बाद साइलेंस, यहाँ तक कि फोन भी साइलेंस में काट दिया। क्यों सर, है ना? जी। अच्छा, और क्या है ये डिमांड जिसके लिए मौन व्रत रखा गया है, बताइए। आप सो रही थी, जाग गई। एक मिनट, आप बैठिए पहले इत्मीनान से, हम अभी अभी घर पहुंचे। बैठिए, चलिए बैठ कर बताइए। हाँ हाँ, हम भी बैठे। जी बताइए, आप सो रही थी, जाग गई, चक्कर आने लग गए, ऊपर मूछ, हम मूछे लख रख लें, आप शर्मा गई। अच्छा, आप लिख कर बताएंगी हथेली पर, बताइए। कंधा, कंधे में दर्द हो रहा है क्या? अम्मी क्या बोल रही है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ट्राई करूं? अच्छा, हमारी अम्मी और समझेंगे आप। अरे माँ को समझना कौन सा मुश्किल है, बच्चों से शुरू बच्चों पे खत्म। एक चांस दीजिए ना। बी माई गेस्ट। हाँ जी आंटी जी, फिर से प्लीज। ओके ओके ओके। क्या ओके ओके, क्या समझ में आ रहा है? एक सेकंड, वो बोल रही है ना। हाँ जी बोलिए। ओके। हमें कोई समझाएगा क्या हो रहा है? कमाल है आपका भी हसीना मलिक, इतना साफ साफ कह रही है फिर भी समझ नहीं आ रहा है आपको क्या? अरे इनका कहने का मतलब है आपके अब्बू यानी कि इनके शौहर कल रात को इनके सपने में आए थे। जी मैडम, वो जो ऐसे ऐसे मूछों का इशारा कर रही थी वो आपके अब्बू ही तो थे। और अब्बू ने बोला कि वो भी बहुत जल्दी आकर इन्हें अपने साथ ऊपर ले जाने वाले हैं। हाँ, वो जो ये इशारा था वो ले जाने का था। अम्मी? और अब्बू ने बोला कि उससे पहले अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी कर ले तो अच्छी बात होगी, और इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आपकी शादी। जब तक इनकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती ना, तब तक ये कुछ नहीं बोलेंगी, किसी से बात नहीं करेंगी, ये मौन व्रत धारण करके ही बैठी रहेंगी। सी ठीक है, समझ गए हम क्या चल रहा है। तो हम भी कहते हैं कि हमें शादी नहीं करनी, शादी में हमें दिलचस्पी है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे शादी करने से आपको खुशी मिलेगी तो हम तैयार हैं। जैसा आपको ठीक लगे। मेरी बच्ची। हम चाय देना। ए बिल्ले, पहले को उतारी दे गारंटी के साथ, फिर चाय। अरे मेरी गारंटी नहीं बची, कटिंग का कटिंग दे देना। कोई कटिंग नहीं। अबरी, हेलो, मिठाई लो, मिठाई लो। बाप रे, अब तू भी ले बिल्ले, ले। अरे वाह, आपने खा लिया खाना? ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ बस काम पे ही है, आप हमें फोन करते रहिएगा, ठीक है? जी बाय। दीवान जी, मिठाई तो आप खिला रहे हो, ठीक है, लेकिन किस खुशी में बताइए। अरे इस बार हमारे थाने में ऐसा कुछ हुआ है जो आज तक नहीं हुआ, और इस बात की तुम लोगों को कल्पना भी नहीं होगी। क्या करिश्मा मैडम को लल्ला होने वाला है क्या? नहीं, हसीना मैडम ने शादी के लिए हाँ कह दी है। अबे मिठाई अच्छी नहीं लगी? दूल्हा अच्छा नहीं लगा। हैं? और दूल्हा मिला कहाँ है अब तक? जैसे ही एक अच्छा लड़का मिल जाए चट मंगनी पट ब्याह। ऐसे ऐसे पुष्पा जी की तरह ऐसे आ रहे थे। हमारी तरफ से पूरे लखनऊ शहर को चाय और बिरयानी फ्री। ए बिल्ले, बिल किसी तरफ से? कैसरी। अरे ऐसे खुशी के मौके पर मनुष्य बात कर दी उल्टी पतली की काली खुरचन। हसीना मैडम ने शादी के लिए हाँ कर दिया है और कर भी दिया है तो दीवान जी का मिठाई बांट रहे हैं। संतू, कुछ पता चला?
नहीं मैडम, वहाँ आसपास की दुकानों की सीसीटीवी फुटेज प्लस वहीं पर पास में एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ का लाइव एक्सेस भी है, लेकिन कुछ ऐसे पता चल नहीं रहा है मुझे। मुबारक हो, मुबारक हो। मैडम सर ने शादी के लिए हाँ कर दिया है। दीवान बाहर दीवान जी से मेरा भी ऐसा ही कंफ्यूजन हुआ, मतलब दीवान जी खुशी के मारे मिठाई बांट रहे हैं और मैडम सर ने शादी के लिए किसी और को हाँ कर दिया है। नहीं पर एक मिनट, मैडम सर ने हमें तो बताया ही नहीं। हाँ तो ठीक है ना, नहीं बताया, वो शादी के लिए उन्होंने हाँ कर दिया, ठीक है हम अपना काम कर ले। हाँ ये तो ढक्कन टू है। हाँ ये पिलू जी एक मिनट, मैंने अभी फुटेज में देखा कि फुटेज की स्टार्ट में इन्होंने वैसा की लेफ्ट में रखी थी, फिर कुछ देर के बाद राइट में कर दी। एक सेकंड ये देखो, आप ये देखो राइट में कर दी। ये बेवकूफ बना रहा है हमें, उल्लू बना रहा है। चलो इसको उठा के लाते हैं इसके नौटंकी के साथ। बहुत बढ़िया, जाओ दोनों की दोनों उठा के लाओ उसको, अंजर पंजर ऐसा तोड़ेंगे फोड़ेंगे कि सब सच उगल देगा कि अंगूठी कहां पर है। जाओ जाओ। अरे एक मिनट, कहां जाओ, बैठो 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 बैठो। तुम ऐसे ही मैडम से कि बिना इजाजत के बिना किसी प्रमाण के किसी को भी उठाकर लेकर आओगी? पुष्पा जी मैडम सर थाने में नहीं है। पता है? हाँ, तो आपको ये नहीं पता होगा कि मैडम सर ने शादी के लिए हाँ कर दी है। क्या? अब हमें नहीं बताया मैडम सर ने? हमारा ये बकैती का जमावड़ा जो लगा रखा है सबके सपने, इसको खत्म करके हम आगे बढ़े लाइफ में। हाँ पुष्पा जी कभी तो काम पे ध्यान दो। हम? हाँ तो मैं ये कह रही थी। बोलो। हाँ बोल रही हूँ, मैडम सर का वेट किया तो सस्पेक्ट हमारे हाथ से निकल जाएगा। अरे मगर अमर सर भी तो है ना थाने में, उनसे अनुमति ले लो। मैं लूं अमर सर से परमिशन? नहीं तुम नहीं, हम जाएंगे, हम अमर सर से परमिशन लेकर आते हैं। हाँ ठीक है। ओके गेट। ये मुझे प्रिंट करके मिलेगा? सुनो भाई क्या नाम है तुम्हारा? हाँ पुष्पक। देखो ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। हाँ हसीना मलिक के रिश्ते के लिए बात करने जा रहे हो ना, पूरी जान लगा देना। अरे एनआरआई हो तुम, इंग्लिश का ऐसा सैलाब लाना कि हसीना मलिक इंप्रेस हो जाए और तुमसे शादी के लिए फौरन हाँ कर दे। वैसे अभी कहाँ हो तुम? हेलो हेलो। हाँ बोलो ना, कहाँ हो तुम अभी? हसीना मलिक के घर के बाहर ही खड़ा हूँ सर, बस डोरबेल बजाने की देर है। पुष्पा केनाराई नाम है सर मेरा, ऐसी फराटेदार अंग्रेजी बोलता हूँ ना कि अंग्रेजों ने भी ऐसी अंग्रेजी नहीं सुनी होगी। हेलो 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 हेलो। अरे सर आप क्यों हेलो हेलो कर रहे हो? मेरी तो आदत है हर बात पर हेलो हेलो बोलने की। हेलो सर घंटी बजाओ घर की। बजाओ। क्या बात है सर, क्या बात है, कमाल कर दिया आपने तो। चक्कर क्या है, काहे मरे जा रहे हैं दोनों मैडम सर के ब्याह के लिए? दीवान जी बस ये सारे तीर ना निशाने पे लग जाए तो मजा आ जाए। अब थोड़े दिन में पापा और दीदी आने वाले हैं तो आपको तो पता ही है, मैंने उनसे झूठ बोला था कि ये थाना मेरा हो चुका है और हसीना मलिक अपनी टीम के साथ यहाँ से जा चुकी है, तो बस उनके आने से पहले हसीना मलिक फंसेगी शादी के जंजाल में और मेरा कहा हुआ झूठ सच हो जाएगा। ये सच में मेरा थाना हो जाएगा, अमर विद्रोही का थाना। फिर इन औरतों को पता चलेगा कि हम मर्द भी किसी से कम नहीं है, हम वो सब डिजर्व करते हैं जो ये औरतें करती हैं और हम भी ये थाना चला सकते हैं, वो भी इनसे बेहतर। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर मिठाई खाएंगे? अरे लाइए खिलाइए। थाना हथियानी के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है, हमको ये सब मैडम सर को फौरन बताना होगा। पर क्या बताएं उनको, वो कहां मानने वाली है हमारी बात, कोई फायदा नहीं है उनको कुछ बोलने का, हमें कुछ करना होगा। ओह थैंक यू। बैठो। ये है हमारी बेटी हसीना। यू वेरी हसीना, यू वॉचिंग ब्यूटीफुल। यू कुक जी? चाय आपने बनाई? जी आप हम चाहें तो हिंदी में भी बात कर सकते हैं। ओ हेलो, वाई हिंदी, माई सेल्फ एनआरआई, ओनली इंग्लिश, आई लाइक योर डिम्पल। मेंशन नॉट। गुड, आई ट्राइड यूएसए सिटीजनशिप, अप्लाई अप्लाई नो रिप्लाई, बट नेपाल पीपल कॉलिंग मी इन फ्रंट, आई सेड आई एम कमिंग ब्रो, डायरेक्ट नेपाल। सो जैसे यू कमिंग ब्रो वैसे यू गेट आउट ब्रो। हेलो यू कॉलिंग मी ब्रो, आई एम नो ब्रो। यू गोइंग योर सेल्फ और आई किक यू आउट ब्रो। हेलो माई सेल्फ एन आर आई, सेल्फ सर्विस गेट आउट। हम ये रख के आते हैं। ये कैसा नमूना भेजा है बेटा, खुद को एन आर आई बता रहा था, हेलो हेलो करके दिमाग खाई जा रहा था, अंग्रेजी को सिर पर रखकर बट्टे से कूटे जा रहा था, कूटे जा रहा। नहीं नहीं आंटी आप परेशान मत होइए,
लेकिन डोंट वरी, इस बार जो लड़का भेजूंगा ना, वो मानो हीरे की खान से निकला हुआ फ्रेश डायमंड होगा। ठीक है ठीक है। कौन था ये नमूना? होता है बेटा, अब मार्केट में चार आने का झुनझुना खरीदने जाओ तो चार झुनझुने बजाकर देखने पड़ते कि कौन सा वाला सही बज रहा है। यहाँ तो पूरी जिंदगी का सवाल है, दो चार झुनझुने बजाकर देखने पड़ेंगे, कोई तो ठीक बजेगा। हेलो, इग्नोर इग्नोर। हाँ, अगला झुनझुना, हमारा मतलब है अगला रिश्ता देखते हैं। हाँ,